हेलो फ्रेंड्स, खका खाना में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए पनीर की रेसिपी लेके आई हूँ। जी हाँ, पनीर बनाने की। मैं इस वीडियो को पहले भी बना चुकी हूँ, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि ये वीडियो गलत है या मैं मार्केट से खरीद के लेके आई हूँ, पर ऐसा नहीं है। वो वीडियो मैंने बिल्कुल घर पर ही बनाया था। हाँ, उसका शेप इसलिए चेंज हो गया था क्योंकि मैंने उसे बनाने के बाद मैंने इस बाट से उसको प्रेस कर दिया था, तो इसलिए इसका शेप लंबा हो गया था। अब वो मैंने दिखाया नहीं था आप लोगों को, लेकिन मैंने उसे दबा के फ्रिज में रख दिया था, तो इस वजह से हमारा जो शेप है चेंज हो गया था। तो इसलिए मैं इस वीडियो को आप लोगों के लिए दोबारा लेके आई हूँ, ताकि जो आप लोगों की गलत फहमी है वो दूर हो जाए, और प्लीज़ मुझे गलत कमेंट्स ना करें। तो आइए देखते हैं, पनीर बनाने की विधि बहुत ही ईजी है, बहुत सिंपल है, और मैं कोशिश करूँगी कि इस वीडियो को हम बिना एडिट किए हुए ही आपको दिखाएँ, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है एडिट करके इसे हमने तोड़ मरोड़ के पेश किया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे 1 लीटर दूध लिया है, फुल क्रीम दूध का इस्तेमाल करना है हमें पनीर बनाने के लिए। तो इसे मैं गैस पे बिठा देती हूँ, इसे हम एक बॉयल आने तक दूध को गैस पे रखते हैं। ये मैंने गैस को ऑन कर दिया है, तो हम एक बॉयल आने तक का वेट करते हैं। तो अब ये देखिए, अब ये हमारा दूध उबलने वाला है। इसको फाड़ने के लिए कुछ लोग नींबू का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग विनेगर का इस्तेमाल करते हैं, तो कभी दही का इस्तेमाल किया जाता है। अलग अलग चीज़ों से हम दूध को फाड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं दूध फाड़ने के लिए फटे हुए दूध के पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। जो डेयरी वाले होते हैं वो भी फटे हुए दूध के पानी से ही पनीर को बनाते हैं। अगर आपके पास फटे हुए दूध का पानी नहीं है, तो फिर आप सफ़ेद विनेगर होता है या फिर नींबू से भी आप दूध को फाट सकते हैं, लेकिन जो हम फटे हुए दूध के पानी से जो बनाते हैं पनीर को, तो उसका टेस्ट अलग होता है और बहुत ही अच्छा, बिल्कुल मार्केट जैसा पनीर तैयार होता है। तो ये देखिए, हमारा दूध अब उबल चुका है और मेरे पास ये 1 ग्लास फटे हुए दूध का पानी है। ये देखिए, अब इसको हम एक बार में नहीं डालेंगे, इसको हम थोड़ा थोड़ा करके इस्तेमाल करेंगे। देखिए, इसको मैंने थोड़ा सा डाला है अभी। ये देख सकते हैं, ये जो दूध है धीरे धीरे फटना इसने शुरू कर दिया है। हम इसमें थोड़ा थोड़ा जितना हमारा पानी बचा हुआ है और डालेंगे, ताकि ये अच्छी तरीके से बिल्कुल अलग हो जाए, पानी अलग हो जाए और ये जो हमारा पनीर है वो अलग हो जाए। देखिए, मैं दिखाना चाहूँगी आपको, ये देखिए, बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरीके से इसका जो पनीर है वो अलग हो रहा है, पानी अलग हो रहा है बिल्कुल। ठंडा हो जाने पे हमें पनीर नहीं बनाना है, हमारा ये जो फटा हुआ दूध है जब आधा गर्म रहेगा तभी हमें इसमें पनीर बनाना है, उससे पनीर बहुत अच्छा बनता है, बिल्कुल मार्केट की तरह बनता है। तो हम इसे आधा ठंडा होने देते हैं। तो मैं फ्लेम को बंद कर रही हूँ। तो अब ये दूध जो है आधा ठंडा हो गया है, अब इसे हम बनाना स्टार्ट करते हैं पनीर को। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने, ये देखिए, ये मैंने एक नीचे गहरा बर्तन लिया है और इसके ऊपर ये छन्नी ली है, और इसके ऊपर हम एक कॉटन का कपड़ा लेंगे। नॉर्मली ये कपड़ा सबके घरों में होता है, या फिर आप और भी कोई पतला, आपके पास कोई चुन्नी है, पुरानी चुन्नी है कॉटन की, या फिर पुरानी साड़ी है कॉटन की, या और भी कोई कपड़ा है कॉटन का, तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, डाल देते हैं। जो पानी है हमारा अच्छी तरीके से अब ड्रेन हो चुका है इसका सारा, अब इसको हम खोल लेते हैं। मैं इसे फ्रिज में नहीं रखूंगी। ये देखिए, इसको मैं एक प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ आपको। ये हमने निकाल लिया है और इसको मैं काट के भी दिखाऊंगी। हालांकि अभी हम इसे 5 से 10 मिनट तक और इसे कपड़े में रहने देंगे, तो ये हमारा अच्छे से एकदम सेट हो जाएगा, लेकिन मैंने इसे ज़्यादा देर नहीं रखा है अभी कपड़े में।
तो फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी पनीर की रेसिपी। आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हर बार की तरह बोलूँगी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ये बिल्कुल फ्री है। तो फ्रेंड्स मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।